सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। मौजूदा केंद्र सरकार ने विभाजन विभीषिका की स्मृतियों को देश के सामने फिर से सहेज कर रखने का काम भी किया है और स्मारक बनाकर नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास भी किया है। नई पीढ़ी भी सरकार के इस प्रयास से खुद को जोड़ रही है और विभाजन के समय की कई गलतियों से सीखने की कोशिश कर रही है ताकि देश की एकता बनी रहे। विभाजन के कारण मानव इतिहास में सबसे बड़ा पलायन हुआ जिससे लगभग 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। लाखों परिवारों को अपने पुश्तैनी गांव शहर को छोड़ना पड़ा और शरणार्थी के रूप में एक नया जीवन तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। विभाजन का दंश पीड़ितों और उनके परिवारों के जहन में आज भी ताजा है। मैं अभी भी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरा सिर घूम जाता है और मेरे आंखों में आंसू आते हैं, गिरते हैं। देश के विभाजन के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अपनी आजादी का जश्न मनाते हुए कृतज्ञ राष्ट्र मातृभूमि के उन बेटे बेटियों को भी नमन करता है जिन्हें हिंसा के उन्माद में अपने प्राण गंवाने पड़े। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में बने अमृत उद्यान का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि ये उद्यान 16 अगस्त से 1 महीने तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान का ग्रीष्मकालीन संस्करण 16 अगस्त से शुरू होगा। इससे पूर्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अमृत उद्यान का निरीक्षण किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने आम नागरिकों के लिए 16 अगस्त से 1 महीने तक खुलने वाले अमृत उद्यान के प्रवेश स्लिप का उद्घाटन किया और एक गमले में तुलसी बीज का रोपण किया। राष्ट्रपति ने अमृत उद्यान में मौजूद बच्चों को बैज और चॉकलेट वितरित की और उनके साथ दिलचस्प संवाद भी किया। उन्होंने उद्यान में विभिन्न फूलों और पौधों की प्रजातियों की जानकारी भी प्राप्त की। अमृत उद्यान शुक्रवार से 15 सितंबर तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5:15 बजे तक होगा। इस बार उद्यान में पत्थर का अबेकस, ध्वनि पाइप और संगीत दीवार जैसे प्रमुख आकर्षण होंगे। राष्ट्रपति के उप प्रेस सचिव नाविका गुप्ता ने बताया कि अमृत उद्यान में आने वालों को तुलसी के बीज से बने बीज पत्र भी दिए जाएंगे जो एक अनोखा और पर्यावरण मित्र स्मृति चिन्ह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नई दिल्ली में कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हुई जहां प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित वरिष्ठ नेता शामिल हुए और विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है। नई दिल्ली में कल कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मोइली कमेटी की बैठक हुई और सभी प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज भी अन्य नेताओं के साथ इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद रायपुर पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस में आने वाले समय में कौन कौन से निर्णय लिए जाएंगे इस बारे में चर्चा की गई। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। कल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की माननीय मोहली जी के नेतृत्व बैठक हुई और 1-to-1 सभी प्रदेश के हमारे इलेक्टेड सीनियर नेताओं से चर्चा हुई और उसके बाद आज 10:30 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज और पूरे देश के पीसीसी प्रेसिडेंटों की बैठकें हुई है। देखिए अब तो कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी और प्रदेश में क्या कमियां हैं, क्या कमियों को दूर करना चाहिए वो पूरे सजेशन आएंगे, तो उसके बाद उस अनुसार फिर पार्टी आगे निर्णय लेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी के साथ ही देश भर के प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, पैसे लुभाने वाली स्कीम से पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर।
आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले परेड को लेकर तैयारियां हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में आज परेड का अंतिम रिहर्सल भी किया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर होने वाली परेड को लेकर विभिन्न तैयारियां हो चुकी हैं। इस बीच जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर आकाश छिकारा और पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने शासकीय हाई स्कूल मैदान में अंतिम रिहर्सल का जायजा लिया। इसके साथ ही जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अभ्यास किया गया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बारिश होने की स्थिति में कार्यक्रम स्थल पर सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह कल सुबह 9 बजे आयोजित होगा। मुख्य समारोह में जिले के प्रभारी मंत्री और वित्त मंत्री ओपी चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी लेंगे। इसी तरह जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक भुवनेश्वर प्रसाद कश्यप के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस परेड की रिहर्सल की गई है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा और स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन विभिन्न जिलों में किया जा रहा है। इसी कड़ी में धमतरी जिले में आज स्वतंत्रता दौड़ हुई, जिसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और पूर्व विधायक शामिल हुए। धमतरी SP आंजनेय वार्ष्णेय ने बताया कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के आज़ादी के प्रति योगदान को याद कर इस दौड़ के जरिए एकता और सद्भावना का संदेश दे रहे हैं। भूतपूर्व विधायक दीपेंद्र रंजना साहू ने बताया कि आज़ादी के इस रंग में पूरा देश जुड़ा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से आग्रह किया है कि सभी अपने अपने घरों में तिरंगा लहराएं। जी ने सभी से आग्रह किया है कि सभी अपने अपने घरों में तिरंगा लहराएं, और ये बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, हर घर तिरंगा अभियान। इसके तहत लोग अपने अपने घरों में तिरंगा लगा रहे हैं, लोगों में देशभक्ति का भाव पूरे ओजस और तेजपूर्ण के साथ बह रहा है। निश्चित रूप से लोग बहुत सक्रिय होकर अपने अपने घरों में तिरंगा लहरा रहे हैं। और आज जो दौड़ का आयोजन जिला प्रशासन के माध्यम से किया गया था, शासन के निर्देश पर किया गया है, सभी लोग एक समानता के दौड़ के साथ आज दौड़ लगा रहे हैं। वहीं कोरबा जिले में तिरंगा दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर अजीत वसंत ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा दौड़ का शुभारंभ किया। यह तिरंगा दौड़ CSEB फुटबॉल मैदान से घंटाघर चौक होते हुए विभिन्न स्थानों से गुजरी, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी और आम लोग शामिल हुए। दौड़ में शामिल ADM दिनेश नाग ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा 9 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सबसे पहले मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया था, और आज यहाँ पर तिरंगा को लेकर एक दौड़ जो है कराई गई। इस कार्यक्रम में पूरे नागरिकगण, यहाँ के जो बच्चे हमारे वे शामिल हुए हैं, मीडिया के साथीगण भी शामिल हुए हैं, जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बहुत ही अच्छा आयोजन आज का रहा है, और निश्चित रूप से पूरे जिले में इस कार्यक्रम अपने पूर्वजों को जरूर याद कर लें, और उन्होंने जो भी स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान दिया होगा उसको हम नमन अवश्य। इधर कबीरधाम जिले में आयोजित स्वतंत्रता दौड़ में जिला खेल प्रभारी MK गुप्ता और स्कूली बच्चे शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लोगों को आज़ादी के महत्व को बताने और घर घर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है। स्वतंत्रता दौड़ आउटडोर स्टेडियम कवर्धा से स्वामी करपात्री स्कूल होते हुए आउटडोर स्टेडियम में ही समाप्त हुई। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 में जिला सशस्त्र बल के विभिन्न पदों पर भर्ती की गई थी, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के अलावा प्रतीक्षा सूची भी जारी की गई थी। 2018 के बाद से अब तक 6 वर्ष बीतने के बावजूद भी कोई नई भर्तियां नहीं की गई है। इन 6 वर्षों में
पुलिस विभाग में बहुत से पद रिक्त हो चुके हैं, जिनमें प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को चयनित किया जा सकता है। प्रतीक्षारत उम्मीदवारों ने शासन के समक्ष कई बार आवेदन किया है, परंतु आज तक इस बारे में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस परिवार की बहुत सी मांगे भी लंबित हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर दुर्ग जिले में पुलिस परिवार के लोगों ने आजाद जनता पार्टी के सहयोग से पटेल चौक में धरना प्रदर्शन किया और रैली भी निकाली। उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को ज्ञापन सौंप कर नई भर्तियां करने की मांग की है। मेरा नाम प्रमोद वर्मा है, मैं राजनांदगांव जिला पुलिस बल से प्रतीक्षा सूची में हूँ। हम लोग को न्यायपालिका से आदेश मिलने के बाद भी हमारा प्रतीक्षा सूची क्लियर नहीं किया जा रहा है। सिर्फ हमें हाँ आपका होगा, हाँ हाँ आपका होगा यही सुनते आज 7 महीने हो गया। तो सरकार से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारा प्रतीक्षा सूची क्लियर करें और न्यायपालिका के आदेश का पालन करें। ऐसे आई हूँ राजनांदगांव से, मेरा वेटिंग में है और मैं यही चाहती हूँ कि हम लोगों का कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है उनको जल्द से जल्द पालन कर लीजिए। मैं 2018 के पुलिस भर्ती में दिलाया हूँ, जो आज तक के वेटिंग क्लियर नहीं हुए हैं। हमारा सरकार से यही मांग है कि हमारे वेटिंग जल्द से जल्द क्लियर करे। और बलरामपुर से आया हूँ और हम लोग कोर्ट केस जीत चुके हैं, उच्च न्यायालय का आदेश भी हो गया, हम लोग को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी लगाए हैं, फिर भी आदेश का पालन नहीं हो रहा है। हमें वीक पे 4 वीक पे हो जाएगा, 2 वीक पे हो जाएगा, ऐसा करके वो लोग मांग रहे हैं और हमारा अभी तक का वेटिंग क्लियर नहीं हुआ है पुलिस बल का। और हम लोग इसी आस में है सर कि हमारा पुलिस वेटिंग क्लियर हो जाए और जो खाली रिक्त पद है पुलिस विभाग में उसको भरने के लिए, और जो खाली रिक्त पद जो बाकी विभागों में है, जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उन पदों को भरवाने के लिए आज हम यहाँ से न्याय यात्रा निकाले, क्योंकि युवाओं को न्याय चाहिए सर। यहाँ से हमारे ये 6-6 साल से जो वेटिंग में पड़े हुए हैं, जो आज 6 साल की इनकी नौकरी हो जाती, चाहे सब इंस्पेक्टर भर्ती बोलिए, चाहे CF की भर्ती बोलिए, चाहे DF की भर्ती बोलिए, आज ये बेचारे नौकरी के लिए आज तक भटक रहे हैं। पद रिक्त है, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है। इस धरना प्रदर्शन और पदयात्रा में 150 से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए, जो विभिन्न जिलों से आए हुए थे। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया और बाद में छोड़ दिया गया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।